हाई गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम प्रिया एंड यू आर वॉचिंग वीडियो टेस्टर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एल जी साइड बाई साइड फ्रिज का रिव्यू लेकर आई हूँ। ये जो फ्रिज है वो 678 लीटर्स का है और इसका प्राइस जो है वो 144,990 है, बट ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे 137,490 पे मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ शॉप पे आके विज़िट करते हैं और अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं या फिर गांधीनगर में रहते हैं तो आपको जो है वो फ्री होम डिलीवरी मिल जाती है। और अगर आप शॉप पे आके विज़िट करते हैं और इनसे शॉप पे आके परचेज़ करते हैं तो इनसे जितना डिस्काउंट हो सकता है वो उतना लगा लेंगे। तो आप ये फ्रिज देख सकते हैं, जिन लोगों की रिक्वायरमेंट बड़ी है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत होती है फ्रिज में, वो इस टाइप के फ्रिज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। या जिनका मॉड्यूलर किचन होता है, जिनको बड़ा फ्रिज रखना पसंद होता है, वो भी इस टाइप का फ्रिज जो है वो देख सकते हैं। इस फ्रिज के अंदर जो है वो आपको 10 साल की वारंटी मिल जाती है। काफ़ी खूबसूरत पीस है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है इस फ्रिज का। ओवरऑल लुक जो है इस फ्रिज की वो काफ़ी खूबसूरत लगती है। आपके किचन में अगर ये रखा रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। कलर जो है वो भी बहुत प्यारा है और अगर आप पास से देखेंगे तो एक प्रिंट है, एक डिज़ाइन बना हुआ है। ग्लास फिनिश है आगे से, बिल्कुल मैट ग्लास फिनिश है। काफ़ी खूबसूरत लुक है फ्रिज का। यहाँ से आप देख सकते हो स्विच दिया हुआ है, ये अपने आप बाहर आ जाएगा। तो अंदर से चलिए देख लेते हैं इस पूरे फ्रिज को। तो यहाँ पर जो है वो ड्राई सेक्शन दिया हुआ है, ड्राई कॉर्न्स वगैरह आप सब कुछ रख सकते हो। यहाँ पे एक बास्केट दिया हुआ है जिसके अंदर आप कुछ भी चीज़ अगर आप रखना चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पर भी जो है वो आपको प्रॉपर स्टोरेज मिलता है। नीचे के साइड में आप बॉटल्स रख सकते हो, तो यहाँ पर जो है वो आप अपने सारे बॉटल्स जो है पानी के वो जमा के रख सकते हो। तो इससे जो है सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि आपको पानी अगर निकालना है तो आपको पूरे फ्रिज को ओपन नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आप ये वाला पार्ट ओपन करेंगे और बॉटल्स को बाहर निकाल सकते हैं। बिकॉज़ क्या होता है, गर्मी के टाइम में पानी जो है वो हम बहुत ज़्यादा फ्रिज में से निकालते हैं और इसी वजह से जो है वो फ्रिज बहुत ज़्यादा खुलता है। बट इस फ्रिज के साथ ऐसा नहीं है, बस ये वाला पार्ट खुलेगा, इसकी ही कूलिंग बाहर आएगी, पूरा जो फ्रिज है उसका कूलिंग बाहर नहीं आएगा। तो इससे जो है वो आपकी बिजली की भी जो बचत है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो फ्रिज जो है ओवरऑल बहुत अच्छा है लुक में। तो फ्रेंड्स, आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो है वो फ्रीज़र का सेक्शन है। फ्रीज़र का सेक्शन जो है वो आपको बहुत बड़ा दिया गया है। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ आराम से स्टोर कर सकते हैं। अगर आपकी बड़ी फैमिली भी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे साइड में जो है वो आइस वगैरह जमाने का दिया हुआ है और आपने ऊपर की साइड में देखा है कि फ्रीजिंग करने के लिए दिया हुआ है, जैसे दालें वगैरह होती है या मटर वगैरह होता है उसको आप फ्रीज़ कर सकते हो, पनीर वगैरह रख सकते हो। तो बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो यहाँ पर आपको मिलता है। उसके बाद आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड में देखो तो ये पूरा फ्रिज का सेक्शन दिया हुआ है, तो ये भी जो है वो काफ़ी स्पेस है। इसके अंदर भी आप कोई भी अपना खाना लेफ़्ट ओवर रख सकते हो, अपनी सब्जियां, फ्रूट्स, जो भी चीज़ें आप रखना चाहो रख सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक और जो ड्रॉर है इसमें बाहर की साइड में, उसमें आप पानी वगैरह रख सकते हो, छोटा मोटा जो आपको हमेशा यूज़ का सामान है वो रख सकते हो। तो इससे जो है वो आपको पूरा फ्रिज नहीं खोलना पड़ेगा, थोड़ा सा पार्ट आप खोलेंगे फ्रिज का और अपने सामान को निकाल लेंगे तो पूरा जो फ्रिज है उसका कूलिंग जो है वो बाहर नहीं निकलेगा आपके फ्रिज का। तो यहाँ पर भी दरवाजे में आपको काफ़ी स्पेस मिलता है, आप काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हो। कई सारे मसाले भी ऐसे आते हैं जो आपको फ्रिज में रखने पड़ते हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं जल्दी से। और फ्रेंड्स, ये जो फ्रिज है वो इन्वर्टर बेस्ड है तो ये बिजली भी कम खाती है। और फ्रेंड्स, इसके साथ आपको 10 ईयर की कंप्रेसर वारंटी मिलती है। एलजी ब्रांड का आपको भरोसा मिलता है, काफ़ी फेमस है एलजी ब्रांड। और आपको अगर ये फ्रिज परचेज़ करना है तो बाय लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। फ्रिज काफ़ी खूबसूरत है, कलर डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है इस फ्रिज का। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो और आज का प्रोडक्ट रिव्यू आपको कैसा लगा वो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से वीडियो टेस्टर फैमिली के साथ बने रहिए। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टेस्टर। बाय।